हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके पास रियलमी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, बोले तो रियलमी नार्जो, रियलमी 30, रियलमी प्रो, रियलमी का कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, जैसा कि आप मेरे हाथों में देख सकते हो कि ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉक हो चुका है कुछ इस प्रकार, पासवर्ड लॉक। अगर आपके पास भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो पासवर्ड लॉक है या पैटर्न लॉक है या पिन लॉक है, आपका रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड इस केस में हम लोग या आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट जाते हैं हम लोग सर्विस सेंटर। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना सर्विस सेंटर गए हुए कैसे आपको अपना रियलमी मोबाइल अनलॉक करना है, वो भी बिना डाटा लॉस किए हुए। एक भी डाटा आपका लॉस नहीं होगा। फ्रेंड, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो आप सीख जाइएगा कैसे आपको रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना है। इस प्रोसेस में फ्रेंड आप को ना ही लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कंप्यूटर के, बस अपने हाथों से ही आप अपना रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए हुए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो यहाँ जीरो के नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है। इमरजेंसी कॉल के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलेट खुला है फ्रेंड। इस न्यू डायलेट में गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड आपको देना है, *#899#। आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने *#899# पे जैसे ही क्लिक किया आपके सामने एक न्यू पेज खुला है जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंजीनियर मोड। तो इस इंजीनियर मोड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, लेकिन आपको वही वर्क करना है जो वर्क मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक करना है जो कि मैनुअल टेस्ट के नीचे है, 5वां नंबर ऑप्शन पर सॉफ्टवेयर वर्जन पर क्लिक करना है। और सॉफ्टवेयर वर्जन पर जस्ट क्लिक करोगे तो आपको 2nd नंबर ऑप्शन पर दिख रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन जो कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। अगर आपके रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यहाँ पे 12 रहे, 13 रहे, 9 रहे, 10 रहे तो उतना टाइम आपको वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 11 है तो हम यहाँ पे 11 टाइम क्लिक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। 11 टाइम कॉल करने के बाद हम इस पेज से बैक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर के जस्ट ऊपर मैनुअल टेस्ट, 4th नंबर पे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करेंगे, 1st पेज छोड़ के 2nd पेज पे आएंगे और यहीं पे आपको फाइनली वर्क करना है फ्रेंड। टोटल वर्क आपको यहीं पे करना है। तो आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का हैंडसेट का सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या नहीं। तो जायरोस्कोप के जस्ट ऊपर दिख रहा है हम लोग को जी सेंसर, तो जी सेंसर पर क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जी सेंसर के पास 3 एंगल है, XYZ, तीनों का तीनों रनिंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है, क्योंकि अगर ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता, ये रुका हुआ रहता। तो यहाँ से आपको ये गुड न्यूज मिला कि आपका सेंसर एक्टिव है, तो अब आपका फ़ोन जल्दी से अनलॉक होगा। अब इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आपको जायरोस्कोप दिख रहा है जी सेंसर के जस्ट नीचे फ्रेंड, जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लीजिए। 2nd नंबर ऑप्शन पे है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पास लाना है। अगर एक बार में पास ना आए तो कंटिन्यू ट्राई करते रहिएगा, पास जब तक ना आए तब तक यहाँ से आपको बैक नहीं होना है फ्रेंड। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या होता है। मेरा एक बार में पास आया फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो, इसी पास की हम लोग को आवश्यकता है। अब इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद हम लोग का लास्ट वर्क सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ऑप्शन। अगर आपके रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सबको क्लिक करके ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दीजिएगा। ये स्टार्ट हो जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा
और कोई भी एक अगर पास दिख जाएगा फ्रेंड तो तुरंत आप होम बटन पे क्लिक कर लेना, आपका रियलमी का हैंडसेट जो है वो अनलॉक मिलेगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हो टेस्ट स्टार्टेड लिखा चुका है और दोनों का कलर येल्लो है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये भी कि ऊपर का पास हो चुका और नीचे का फेल हो चुका है। मैंने बोला था कि अगर एक भी पास हो जाए तो होम बटन पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे होम बटन है, होम बटन पे हम क्लिक करते हैं और फ्रेंड आप देख सकते हो अपनी आँखों से कि ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है और इस फ़ोन का जितना भी डाटा था फ्रेंड पहले वो डाटा अभी भी सेफ है, एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते तो आपका पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।